बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले बिहार के चर्चित उद्योगपति अश्वनी कुमार सिंह जी से, जिनकी संस्था बिहारी हेल्पलाइन पटना के इस संकट की घड़ी में काफी बढ़ चढ़कर काम कर रही है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कहां से ये जज्बा आता है और जब भी बिहारियों पर कहीं भी बिहार के अंदर या बिहार के बाहर भी संकट के बादल आते हैं, इनका जो संगठन है बिहारी हेल्पलाइन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। सर, कहां से ये जज्बा आता है? आज से करीब 20 साल पहले मैंने बिहारी होने के नाते दूसरे प्रदेशों में जाता था तो बिहारी कहकर लोग निगेटिव अप्रोच करते थे, तो मुझे लगा कि आखिर हमें क्या ऐसी कमी है जो निगेटिव बोलते हैं। बिहार के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर आगे बढ़ते हैं, हर तरह से कहते हैं दूसरे प्रदेशों के विकास में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उसके बाद भी बिहारी को काम दिया जाता है। इस दर्द के कारण मैं सोचा कि एक बिहारी हेल्पलाइन बनाया। मैं बिहारी हेल्पलाइन के माध्यम से जो बिहार के ही लोग नहीं कोई प्रॉब्लम होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उनको मदद करूं, मदद कराऊं, हर तरह से मैं मदद करता हूं। उसके साथ साथ हमने एक बिहारी स्टार सम्मान समारोह भी शुरू किया, जो बिहार के लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं आखिर उसको समाज में कोई नहीं लाता था, मीडिया भी नहीं लाती है, लेकिन मैंने पहल किया कि नहीं, जो बिहार के लोग पूरे वर्ल्ड में जहां भी अच्छा काम करते हैं जिससे समाज को फायदा होता है उसको हम लोग सामने लाकर उनको सम्मानित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम बिहारी भी हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं और काम करके समाज के योगदान दे सकते हैं। ये शुरू से हमारी बात रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोल एक बार फिर बेसुध हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि 500 रुपया लेकर बिहार के लोग ट्रेन में बैठते हैं, दिल्ली आते हैं और 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज कराकर चले जाते हैं, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को एक बताना चाहेंगे, दिल्ली उनका नहीं है। सबसे बड़ी बात है दिल्ली पूरे भारतवर्ष का है, चाहे वो बिहारी हो, चाहे यूपी को हो, चाहे महाराष्ट्र के हो। अगर बिहार के लोग वहाँ 500 रुपया देकर इलाज कराने जाते हैं तो उनका क्या जाता है? उन पर उनको ये कहने वाला कौन होते हैं कि हम यहाँ आके इलाज नहीं कराएं? मेरा हक है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, उस पर जिस तरह से सबका हक है उसे बिहारियों का हक है, वहां जाकर इलाज कराएंगे और वहां रहेंगे भी, वहां नौकरी भी करेंगे, हर तरह से हमको सुधारना चाहिए। केजरीवाल साहब अगर रोकते हैं तो गलत रोकते हैं, उन पर मानहानि का केस होना चाहिए। बिहारी सब मिलकर उन पर केस करें कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, इस तरह की बात। आपका जो संगठन है बिहारी हेल्पलाइन और अर्बन मीडिया, जिसमें हिमांशु हरी के नेतृत्व में विगत 7 दिनों से पटना में लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? कितनी जरूरत है लोगों को राहत की और सरकार कहां विफल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद कंकड़बाग में रहता था, रहता हूँ, वहाँ पानी लगने के कारण मैं दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन शिफ्ट करने के क्रम में जो वहाँ की परेशानियों को मैं बहुत नजदीकी से देखा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा था, खाने की कमी हो रही थी, बिजली नहीं था, तो हमने देखा ये बात कि भाई आखिर मैं तो जगह मिला मैं हट गया, लेकिन जो लोगों का ऑप्शन नहीं था आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे, तो लोग वहीं रहकर सब परेशानियों को जूझ रहे हैं। तो हमने एक बिहारी हेल्पलाइन के माध्यम से और ऑर्गन मीडिया के माध्यम से जो हिमांशु हरी ने काफी लोगों के बीच में जाकर लगातार 1 सप्ताह से पानी खाने का सामान हमेशा बांट रहे हैं, आज भी उन्होंने बांटा है और लगातार बांट रहे हैं, ताकि एक अच्छा मैंने मैसेज गया कि नहीं कोई तो देखने वाला है यहाँ पर, तो ये हम लोग की एक सोच है मदद करने की। अब वो क्या लगता है, पटना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रचार के लिए इस भीड़ में कूद गए हैं और आपका संगठन जो है बिना प्रचार के काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि संकट की इस घड़ी में प्रचार चाहिए या जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, हम लोग की संस्था है काफी दिन से काम कर रही है और लोगों के बीच में जाकर जहां प्रचार क्या होता है कि जान जिसको देंगे पानी देंगे, जिसको खाना देंगे वो खुद बताएंगे कि हमको पानी और नाश्ता कौन देने आया था। तो मैं उस समस्या का समाधान के लिए मैं काम करता हूँ, न कि प्रचार के लिए। मैं वहां तक पहुंचा हूँ जिसको 2 दिन से पानी नहीं मिल रहा था, 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा था, वहां तक हमारी संस्था गई है, वहां तक उन लोगों को दिया है। तो मेरी यही सोच है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी काम दूसरे को छोड़ दिया। क्योंकि आप पटना में 27 वर्षों से बिजनेसमैन के तौर पर भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और पटना को काफी करीब से आपने एक पत्रकार के तौर पर शुरुआती दिनों में भी देखा है, आपको क्या लगता है कि पटना में आने वाले समय में ऐसी विपदा ना आए इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी समस्या एक बार नहीं आती है, उसको मैंने छोड़ने से वो समस्या बढ़ जाती है। पटना में पानी का बढ़ना एक दिन की बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि बाढ़ के बाद हम सफाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो मेरा यह मानना है, अगर सरकार से आग्रह करेंगे कि एक एजेंसी के माध्यम से लगातार सफाई होनी चाहिए, नाला की उड़ाई हो तो जो नाला से सामान गंदगी निकलती है उसको अलग हटाए, लोग वहीं छोड़ देते हैं तो फिर नाला में चल जाता है, तो स्वाभाविक है सफाई किए नहीं फिर गंदगी हो गई,
तो मेरा ये मानना है कि अगर लगातार ये काम होते रहेगा तो पानी नहीं लगेगा, क्योंकि सीवरेज सिस्टम ठीक है, कहीं कहीं कचरे के कारण चौक कर गया, तो कचरा जब हट जाएगा तो सवारी का नाला साफ हो जाएगा, पानी का निकासी ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो ये इस पर ध्यान देने की बात है। बाकी ये एडा प्रशासन देर से ही लेकिन ध्यान दिए है और पानी निकला है, धीरे धीरे अगर सफाई हो रहा है। अब ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि जो गंदगी फैली है उसे महामारी नहीं हो, उसका इलाज मेडिकल टीम पर होना चाहिए ताकि जो बीमार पड़े तो उसका इलाज हो सके। इस पर सरकार ध्यान दे, बाकी सब ठीक है। सरकार के द्वारा जो हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जा रहा है उसको लेकर जो क्वालिटी है कम करवा रहा है, इंदर नगर इलाके में उसमें से कीड़ा निकल रहा है, सड़ा हुआ खाना है, आपको क्या लगता है कि इस पे राजनीति होनी चाहिए या सरकार को भी ऐसी एजेंसियों को इन चीजों के रखरखाव की जिम्मेवारी देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पेट तक जाने का सामान है और आप खुद बता रहे हैं कि महामारी फैलने के कारण जैसा है पटना में, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे किस तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए? देखिए, सरकार को तो चाहिए स्पष्ट तौर से अच्छे एजेंसी को चुने जो सही तरीके से काम करे। अगर वो खाना गिरा रहा है तो निश्चित तौर से उसकी जांच होनी चाहिए थी, और चूड़ा जो गिराएगा इसमें कीड़ा निकले तो निश्चित तौर से जो सप्लाई किया है उस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर गंदा सामान कैसे गिरा है। और रही बात की अच्छे अच्छे एजेंसियां काम कर रही है जिसको हो सकता है सरकार भी नहीं जान रही है, लेकिन सरकार को होना चाहिए कि इस बार जो भी एजेंसी अच्छा काम कर रही है उसको नोटिस मिले, उसका एक लिस्ट बनाए, मान कभी ऐसा समय आए तो ऐसे एजेंसी को ही हायर करे जो सही रूप से काम कर सके। यह है सोनी कुमार सिंह और इनके स्वर में साफ ये दर्द झलक रहा है कि बिहारी अस्मिता पर जब कभी कोई सवाल आएगा इनके जैसे लोग और इनका संगठन हमेशा वैसे लोगों का विरोध करेगा। पटना में जो जल प्रलय आया हुआ है, इनका जो संगठन है बिहारी हेल्पलाइन और आर्गेन मीडिया हिमांशु हरि के नेतृत्व में काफी बेहतर काम कर रहा है और वो नजर भी आ रहा है। इनका मानना है कि संकट की इस घड़ी में राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए और जो जरूरतमंद लोग हैं सरकार जिन तक अपनी राहत सामग्री को पहुंचा रहा है उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।